हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल सुमन किचन हिंदी में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल क्विक फास्ट से बनने वाली और बहुत ही चटपटी मसालेदार इवनिंग स्नैक्स में, नाइट में, और आप इस तरह से मॉर्निंग में इसको बना के खा सकते हैं। फटाफट से बनने वाली है, ज़्यादा समय नहीं लगता है और हल्का फुल्का जब भी खाने का मन हो तो इस तरह से आप ये पटैटो रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना करते हैं शुरू। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज़ का आलू लिया है। आप मीडियम साइज़ के दो आलू भी ले सकते हैं और जितने मेंबर के लिए आप बना रहे हैं उतने आप आलू के पीस ले लें। आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है और अभी इसका हम छिलका उतार लेंगे आलू का। तो यहाँ पे ये जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल है पटैटो की फ्रेंड्स, और ये जो रेसिपी है आप कभी भी फटाफट से बना सकते हैं और इवनिंग में इसे खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, तो आप इसे इवनिंग में बनाएं। ये देखिए मैंने आलू छील के तैयार कर लिया है और अभी यहाँ पे आलू की कटिंग करनी है। आलू की कटिंग करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आलू के जो पीस हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में कटिंग करने हैं हमें, और एक ही साइज़ में कटिंग करने हैं ताकि जो हम ये रेसिपी बना रहे हैं इसको जब भी हम सर्व करें या जब भी इसको खाएँ तो खाने में मज़ा भी आए और अच्छी भी लगे। तो ये देखिए यहाँ पे आलू मैंने कट कर लिए हैं और इसको इससे भी ज़्यादा छोटे छोटे पीस में हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए एक पीस इतना बड़ा है तो इसमें से भी चार टुकड़े करके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिया है एक ही साइज़ के अंदर। और यहाँ पे आलू हमने काट के तैयार कर लिए हैं। अभी थोड़ा सा नमकीन बनाने के लिए आलू के अंदर नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पानी ले लिया है, अब पानी के अंदर आलू ऐड कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे हम नमक एक बड़ा चम्मच, ताकि इस आलू हल्के से गल भी जाएंगे और थोड़ा सा इसमें नमक का स्वाद भी हो जाएगा। एक घंटे के लिए रख देते हैं। देखिए तो मैंने यहाँ पे इसको एक घंटे रख दिया था और ये अभी मैंने पानी में से निकाल के इनको हल्का सा सुखा लिया है, यानी कि सुखाना ज़रूरी है। थोड़े से आप इनको 5-10 मिनट के लिए हवा में छोड़ दें और ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, और जब फ्राई करें तो फ्राई करने में आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये देखिए यहाँ पर अभी तेल के अंदर मैंने आलू के छोटे छोटे पीस को छोड़ दिया है और अभी ये आलू हम यहाँ पे कर लेते हैं फ्राई। तो हल्का गोल्डन कलर होगा जब तक कि हमें इनको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से फ्रीज में थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। हल्का सा बादामी कलर यानी कि गोल्डन सुनहरा कलर होगा तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए करीब करीब यहाँ पर ये हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, फ्राई हो चुके हैं। तब थोड़े थोड़े करके पीस हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के अंदर ताकि इस पर ज़्यादा ऑयल ना रहे। और यहाँ पे ये पीस देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने यम्मी से दिख रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इवनिंग में तो आप इसे विशेष करके बना सकते हैं इस तरह घर पे। अगर आपके पास किसी भी तरह से नमकीन नहीं है और नाइट में अगर आपको नमकीन की जैसे आवश्यकता है तो नमकीन की जगह आप ये रेसिपी बना सकते हैं। और ये देखिए बन के तैयार है, मैंने ट्रे में सर्व कर लिए हैं। अब बस इसके अंदर हमें मसाले ऐड करने हैं और इसे खा लेना है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और यहाँ पे आप इसके अंदर मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं काली मिर्ची पाउडर, और एक हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे नॉर्मल वाला नमक, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हल्का सा काला नमक, और लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे हम रेड चिल्ली पाउडर। तो रेड चिल्ली पाउडर आप ज़्यादा स्पाइसी ना लें, इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ कर लें, उससे कलर भी अच्छा आएगा और स्पाइसी भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये यहाँ पे हमारी रेसिपी बनके तैयार है। इसके ऊपर हरा धनिया कटिंग करके गार्निश कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बटन आप ज़रूर दबा दें फ्रेंड्स अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए, जिससे आपको हमारी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर ये रेसिपी बन के तैयार है और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, अगर आप ट्राई करते हैं और आपकी रेसिपी कैसी बनती है आपको मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो।